देश में योगी सरकार के रूप में एक ऐसी राज्य सरकार है जिसके फैसलों से हर वर्ग में खुशी होती है। ताजा फैसला 5 साल संविदा के बाद सरकारी नौकरी है। इस फैसले से फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का स्टेटस एकदम गुलजार है। लोग खुश हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, योगी जी को मन ही मन आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ भाई, आशीर्वाद दे रहे हैं। 4 लड़कियों के पिता अलग खुश हो रहे हैं कि अब सरकारी नौकरी के नाम पर दहेज मांगने वाले ठंडे पड़ जाएंगे। पड़ोस वाले चचा खुश हैं कि शर्मा जी के लड़के की नौकरी भी लगी तो 5 साल संविदा पर घिसना पड़ेगा। साइबर कैफे वाले खुशी के मारे फूल के कुप्पा हो जा रहे हैं। वह कह रहे हैं अब तो फार्मी फार्म भरने को मिलेंगे। प्राइवेट कंपनियों के मालिक इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब उन्हें 12,000 के बजाय 8,000 में ही लड़के मिल जाएंगे। मतलब ये कि हर वर्ग में खुशी ही खुशी है। मुझे तो लग रहा है कि जल्दी एक बार फिर से दिवाली मनाने का मौका मिल जाएगा। अब उस वर्ग की बात करते हैं जिसे इस फैसले से जोर की करंट लगी है। उसमें सबसे अधिक युवा हैं। इन युवाओं में मैं मंदिर, मस्जिद और व्हाट्सएप पर मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियों की जानकारी हासिल करने वालों की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे युवाओं के समूह की बात कर रहा हूँ जिसने पिछले 5-6 साल से इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली जैसे शहरों में अपने सुनहरे सपने को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दिया। योगी सरकार के इस फैसले से छात्रों के लिए बाजीराव मस्तानी के उस डायलॉग को चरितार्थ कर दिया है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने कहा था, आप हमसे हमारी ज़िंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। पहले आप देश के सर्वश्रेष्ठ सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्ताव जान लीजिए। अब यूपी में समूह ख और ग की सरकारी नौकरियों की भर्ती संविदा के आधार पर होगी। शुरुआत के 5 साल आपको संविदा पर रहना होगा। इस दौरान हर 6 महीने पर असेसमेंट किया जाएगा। इसके तहत एक परीक्षा कराए जाने की बात कही जा रही है। उस परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। कर्मचारी अगर 60% अंक नहीं ला सकता तो उसे सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अभी तक होता ये था कि सरकारी नौकरी लगते ही व्यक्ति को तमाम सरकारी लाभ मिलने लगते थे, जिसमें TA, DA, मेडिकल अलाउंस, होम रेंट अलाउंस होते थे, लेकिन नए प्रावधान के तहत ये सारी सुविधाएँ नहीं मिलेगी। मतलब ये कि शुरुआत के 5 साल अगर आपकी पोस्टिंग कहीं होती है तो आप अपने खर्च पर रहें, खाएं, इलाज करवाएं, सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार का तर्क है इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, गवर्नेंस और मजबूत होगा, आम लोगों को फायदा होगा, लेकिन लोगों के जवाब इसके ठीक उलट हैं। लोगों के मुताबिक संविदा पर रहने वाला कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर कभी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सामने नौकरी बचाने का संकट होगा। अफसर अगर उससे सब्जी लाने या बच्चे की टट्टी साफ करने को भी कहेगा तो हम मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसे बाहर किया जा सकता है। योगी सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक पोस्ट मोहम्मद अरशद का है जिन्होंने लिखा है, 5 साल संविदा की नौकरी की शुरुआत, 50 साल का अनिवार्य रिटायरमेंट, निजीकरण आदि आदेश आने पर लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते हुए छटपटा रहे हैं। जिस मुद्दे के लिए आपने वोट दिया था सरकार ने वो काम तो कर दिया, अब संविदा की नौकरी, पुरानी पेंशन का खात्मा, अनिवार्य रिटायरमेंट और निजीकरण आपके लिए सरकार की तरफ से गिफ्ट है। इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने कभी इन्हें मुद्दा समझा ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ। ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। वॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।